हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड जी सब, मैं आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने जावा प्रोजेक्ट पे लाइक टेबल है, आपकी जी टेबल है, उस पर ऑन क्लिक करने पे किसी भी लेवल पे या पैनल पे आप इमेज कैसे ला सकते हैं। तो सिंपली आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और डेटाबेस में उसको सेव करा सकते हैं, उसी तरह आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जी टेबल में डेटाबेस फेच होने के बाद उस पर जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ टेबल पे रन टाइम पे, तो यहाँ पे से इमेज आना चाहिए। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार रन करके। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पे जो डेटा फेच हुआ है इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर बंदे की या जो भी मैंने इमेज डाली वो यहाँ पे आना चाहिए। तो वो किस तरह से करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जी टेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। आपको सिंपली जाना है राइट क्लिक करके इवेंट्स पे, इवेंट्स पे जाने के बाद आपको जाना है माउस क्लिक इवेंट पे। हम ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख चुके हैं जो डेटा फेच होता था अपने टेक्स्ट फील्ड में। यहाँ पे सिंपली आपको दो तीन लाइन का कोड है आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वाइड अरे और स्पेस दे के लिखना है इमेज डेटा, या आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको जो भी देना हो, या फोटो देना है तो फोटो भी दे सकते हैं, पर मैं फोटो नहीं लाइक इमेज के नाम से लिख देता हूँ। इमेज इक्वल्स टू RS डॉट, यहाँ पे लिखना है आपको गेट वाइट्स और यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम का नाम, जो भी आपको कॉलम का नाम है। तो यहाँ पे देख रहे थे हमारे कॉलम का नाम ने फोटो दे रखा है, तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम फोटो दे देता हूँ। और उसके नीचे आपको सिंपली लिखना है उससे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, शायद मैंने नहीं करा है पहले। सबसे नीचे आना है आपको कोड में और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं बना रहा हूँ प्राइवेट फॉर्मेट के नाम से। तो इमेज आइकन प्राइवेट इमेज आइकन स्पेस फॉर्मेट इक्वल्स टू नल। तो ये हमने बना लिया है वेरिएबल, अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ऊपर हम ऊपर चलते हैं वापस से। तो वापस से हम जहाँ पे कोडिंग कर रहे थे वहीं जाएंगे। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन स्पेस और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है इमेज जो हमने यहाँ पे यूज करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एंटर करके लेबल का नाम। जैसे मुझे इस लेबल पे सेट कराना है तो लेबल 12 है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा जे लेबल 12 डॉट सेट आइकन और यहाँ पे फॉर्मेट, सिंपली इतना ही लिखना है आपको। कोड तीन लाइन का कोड है, तो हम इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी इमेज है यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गई है इमेज और यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक बता रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑन क्लिक पे यहाँ पे इमेज ला सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तीन लाइन का कोड है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बार डाटा अपलोड करके बता भी देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल मैं एम्प्लॉय आईडी 3 डाल रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम डाल रहा हूँ करण, लास्ट नेम डाल रहा हूँ ठाकुर और एज डाल रहा हूँ मैं 24, डिपार्टमेंट डाल रहा हूँ ए ब्लॉक और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे आज की है तो मैं आज की डाल देता हूँ जो भी है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना है अपलोड करके उसी इमेज। तो जैसे मैं यहाँ पे
यहाँ पे स्क्रीन शॉट करके है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो थोड़ा सा हो रहा है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इमेज में कुछ भी दे देता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये। पिक्चर्स पे जाके सिंपल से java.png दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने इमेज यूज करी है। तो ये इमेज में इमेज डालने वाला हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा सेव बटन और ये हो गया हमारा सेव डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज कुछ भी नहीं है, कुछ बता रहा है यहाँ पे ये इमेज डाली थी बता रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो जो हमने इमेज डाली थी यहाँ पे बता रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिंपली आप यहाँ पे इमेज को विजिबल करा सकते हैं ऑन क्लिक टेबल पर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब कि आप कीबोर्ड से जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे डेटा कैसे चेंज होना चाहिए, वो चीज़ आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दिक्कत है और क्यूरीज है तो आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।